हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको अदर 247 की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ये टेस्ट सीरीज डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं कॉन्टेंट पार्टनर प्रोग्राम के तहत, और इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से इन बेस्ट टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एक ये क्लोज टेस्ट है, और यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्लोज टेस्ट लिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। क्लोज टेस्ट को कभी भी शुरुआत में ही सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्लोज टेस्ट को यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 50% आप जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आप ऑप्शन को देखें और आंसर लगाना आप शुरू करें। क्योंकि जब आप पूरा पढ़ते हैं तब आपको एक रफ आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट का थीम क्या है, क्लोज टेस्ट की टोन क्या है और टॉपिक क्या है। तो क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना जरूरी है, और पूरा आप यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 50% आप जरूर पढ़ें क्लोज टेस्ट को, और उसके बाद इन ऑप्शंस को देखें। एक तो ये ट्रिक है। सेकेंड ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है इसके बगल वाला वर्ड, यानी ये जो दिया है ये वाला वर्ड, और यहां पर जो वर्ड दिया है ये वाला वर्ड, ये होते हैं लिंकिंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ लिंक करके आपको यहां पर जो ऑप्शन है वो आपको फिगर आउट करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एडजॉइनिंग जो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पर एक वर्ड दिया है ए और यहां पर एक वर्ड दिया है विक्ट्री, तो इन वर्ड्स के साथ कोरिलेट करना है आपको वर्ड्स को। एक तो ये ट्रिक है। सेकेंड ट्रिक ये है कि इसमें जो प्रपोजिशंस दिए रहते हैं इस वर्ड के बगल में, यहाँ पर जो प्रपोजिशन है या यहाँ पर जो प्रपोजिशन है उसको आपको देखना होता है। और तीसरी ट्रिक ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच को आपको अप्लाई करना होता है। तो इन ट्रिक्स को यदि आप अप्लाई करते हैं तो आसानी से किसी भी क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, द इंटरिम रिजल्ट्स ऑफ संडेज प्रेसिडेंट इलेक्शन इन द मालदीव्स हैव गिवन द जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट इब्राहिम मोहम्मद सोली आ। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर अब हम कोरिलेट करेंगे। यहां पर क्या वर्ड दिया है? विक्ट्री, और यहां पर दिया है ए। तो विक्ट्री क्या है? यदि इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत होता है। और जीत क्या है? एक एक किसी भी चीज का नाम है, और किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। यहां पर आपको एक एडजेक्टिव क्यों चाहिए? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ठीक है, यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जो विक्ट्री के साथ जा सके। अब देखिए, एक बार और मैं फिर से बता देता हूं। द इंटरिम रिजल्ट ऑफ संडे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द मालदीव्स हैव गिवन द जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट इब्राहिम मोहम्मद सोली एक विक्ट्री। यहां पर यह बात कर रहे हैं कि मालदीव के अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं उसमें इनको जीत मिली है। इब्राहिम मोहम्मद सोला को जीत मिली है, विक्ट्री मिली है। लेकिन ये विक्ट्री कैसी है उसके लिए यहां पर आपको एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन। डिजायर्ड है, होपफुली है, सॉफ्ट है, और स्टिली है, और रिजाउंडिंग है। आपको चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें केवल दो हैं, एक डिजायर्ड है और एक रिजाउंडिंग है। बाकी एडजेक्टिव तो हैं, जैसे सॉफ्ट एडजेक्टिव है, निश्चित रूप से एडजेक्टिव है, लेकिन सॉफ्ट विक्ट्री हम नहीं बोल सकते क्योंकि विक्ट्री के साथ सॉफ्ट वर्ड नहीं जाएगा, स्टिली वर्ड भी नहीं जाएगा। ठीक है, होपफुली एडवर्ब है, नहीं जाएगा। डिजायर्ड जा सकता है। यहां पर यदि हम बोलते हैं डिजायर्ड विक्ट्री, क्या मतलब होगा इसका? डिजायर्ड विक्ट्री का मतलब है जैसी विक्ट्री उसने चाही थी। तो हर कोई शानदार विक्ट्री चाहता है, तो डिजायर्ड कहना इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे रिसाउंडिंग विक्ट्री। रिसाउंडिंग मतलब शानदार, जो उसको फेमस बना दे, काफी काफी बड़े डिफरेंस से जो विक्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड रिसाउंडिंग विक्ट्री। तो रिसाउंडिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और यहां पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिसाउंडिंग यहां पर एप्रोप्रिएट फिलर होगा। क्लोज टेस्ट को हम क्लोज टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके जो ऑप्शन होते हैं ये काफी क्लोज होते हैं मीनिंग में। जैसे यहां पर डिजायर्ड और रिसाउंडिंग जो है ये काफी क्लोज है मीनिंग में, लेकिन डिजायर्ड थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, और रिसाउंडिंग 100% यहां पर करेक्ट है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिसाउंडिंग विक्ट्री इन द डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द अब्दुल्ला यमीन।
अब अब्दुल्ला यमीन जो है वो क्या है? अब्दुल्ला यमीन एक नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई कौन सा वर्ड करता है? अभी मैंने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन को या किसी भी नाउन को एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है। तो अब्दुल्ला यमीन एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और इनके साथ यहां पर कौन सा एडजेक्टिव जाएगा? अब देखिए, हेल्दी तो हम बोल नहीं सकते, बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है। लेटर हम बोल नहीं सकते, लेटर है ये, ठीक है। कल्प्रिट मतलब अपराधी, ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक। तो अब्दुल्ला यमीन के अगेंस्ट उनको विक्ट्री मिली है, ठीक है। मतलब दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए को विक्ट्री मिली है, इसका मतलब बी जो है इसको हटना पड़ेगा। लेकिन हटने से पहले ये कैसा है? ये है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब है कि वो ऑफिस में है, इनकम्बेंट का मतलब है कि वो ऑफिस में है। तो यहां पर हम बोलेंगे इनकम्बेंट अब्दुल्ला यमी, यहां पर सही आंसर होगा आपका इनकम्बेंट, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब जो ऑफिस में है, जो चार्ज में है इस समय, ठीक है। और इनकम्बेंट क्या है? एक एडजेक्टिव भी है, तो प्रॉपर नाउन के बगल में एक एडजेक्टिव हमने लगा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, द फाइनल रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड बाय द इलेक्शन कमीशन बाय September 30, एंड द करेंट गवर्नमेंट विल अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हैंड ओवर। इस सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं? इस सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश होंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा 30 सितंबर तक। बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन। बाय का मतलब क्या होता है? नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं, सितंबर 30 तक रिजल्ट आ जाएंगे। सितंबर 30 तक का मतलब है कि 30 को या उससे पहले। बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, एंड द करेंट गवर्नमेंट विल अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हैंड ओवर। करेंट गवर्नमेंट दूसरे को हैंड ओवर करेगी, किस चीज को हैंड ओवर करेगी? हैंड ओवर वॉट, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि हैंड ओवर चार्ज यहां पर आपका सही आंसर होगा। देखिए, एक वर्ड इसमें दिया है थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी या राजमहल। तो यहां पर हम किसी राजा महाराजाओं की या इनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, रियासतों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो हम करेंट इलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो करेंट इलेक्शन प्रोसीजर में थ्रोन वर्ड इनएप्रोप्रिएट रहेगा। थ्रोन वर्ड यूज होता है किंगडम्स के लिए, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स इनएप्रोप्रिएट हैं, टोटली इनएप्रोप्रिएट हैं। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड में सही आंसर क्या होगा? चार्ज, हैंड ओवर चार्ज ऑन नवंबर 17। 30 को रिजल्ट आएगा और नवंबर 17 को करेंट गवर्नमेंट चार्ज अपना दूसरी गवर्नमेंट को दे देगी जिसने जीत दर्ज की है। बट इट इज इमीडिएटली क्लियर दैट मालदीवियन वोटर्स हैव। अब यहां पर क्या आएगा? देखिए, यहां पर मैंने बताया था आपको किस तरीके से आपको लिंक करना है। यहां पर हैव लिखा हुआ है और यहां पर इन लिखा हुआ है, इन दोनों को कोरिलेट करना है। हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर एक ऐसा वर्ड आपको चाहिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और एक ऐसा वर्ड भी होना चाहिए जो इनके साथ जुड़ जाए। अब इनके साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है? डेल्ट इन। डेल्ट इन का मतलब होता है आई डील इन, किसी चीज का बिजनेस करना, उसके साथ डील इन होता है। सिग्नल इन होगा नहीं, इंडेमनीफाई इन होगा नहीं, बोथ ए एंड डी होगा नहीं। अशर एक ऐसा वर्ड है जो कि थर्ड फॉर्म भी है, और असर के बाद हम इन भी लगाते हैं, अशर्ड इन। अशर्ड इन का मतलब क्या है? अशर्ड इन का मतलब होता है किसी नई चीज की शुरुआत करना, एक न्यू बिगनिंग को हम अशर्ड इन बोलते हैं। तो अशर के साथ, हैप के साथ अशर्ड चला जाएगा क्योंकि ईडी फॉर्म है, और अशर के बाद इन भी चला जाएगा क्योंकि अशर के बाद इन लगता है। इसके अलावा ये कॉन्टेक्चुअली भी सही है क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं कि मालदीवियन वोटर्स जो हैं वो एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इमीडिएटली क्लियर दैट मालदीवियन वोटर्स हैव अशर्ड इन चेंज। चेंज कौन लाता है डेमोक्रेसी में? चेंज कौन लाता है? वोटर्स लाते हैं, ठीक है। तो वोटर्स ने इनको जिता के एक एक चेंज को अशर किया है, एक चेंज को लाने की कोशिश की है। तो यहां पर अशर इन, मैंने कई पैरामीटर्स पर इसको आपको बताया कि हैप के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, अशर के बाद इन आएगा, अशर का मीनिंग भी यहां पर सही है। तो कई पैरामीटर से मैंने उसको प्रूव करके बताया कि ये आंसर यहां पर सही होगा।
विद 58% ऑफ द वोटर्स चूजिंग मिस्टर सोली। देखिए यहां पर हम बता रहे हैं कि 58% वोटर्स ने इनको चूज किया है, जिनको जीत मिली है इब्राहिम मोहम्मद सोली को। तो यहां पर देखिए फिर से मैं बताऊंगा आपको कि फिर से यहां पर आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ऑफ के साथ कनेक्ट हो जाए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बगल वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाले वर्ड को देखना है और इन दोनों वर्ड्स को लिंक करके आपको आंसर को पता लगाना है। तो ऑफ के साथ इनमें से कौन सा वर्ड जा सकता है? ऑफ के साथ इनमें से वर्ड जाएगा रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि 58% वोटर्स ने इनको वोट दिया है इब्राहिम मोहम्मद सोली को रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उनको इसको, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए 58% वोट इनको दिए गए हैं। मालदीवियंस हैव मच टू सेलिब्रेट विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। और यहां पर इस 90 डे श्योर सिलेक्शन प्लान के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, कैनरा बैंक हो, इसमें यदि आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम इसका प्राइस है, 999 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने इसकी वैलिडिटी है। इसमें पूरा प्री का इंग्लिश, मेंस का इंग्लिश, पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है और जो क्लासेस इसमें होती हैं उनको आप लैपटॉप पर, पीसी पर, मोबाइल पर ट्रैवल करते समय आप देख सकते हैं। डेली क्लासेस इसमें अपलोड होती हैं और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें आपको मिलती हैं। तो इन क्लासेस को यदि आप फॉलो करते हैं रिलीजियसली तो 100% आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। ये आप देख रहे हैं इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें, इसको शेयर भी करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और कोई भी फीडबैक है तो इन नंबर्स पर आप मुझे दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।